तो कितने अच्छे से हमारे ये आम का मुरब्बा पका है, तो ये देखिए, आप देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम का मुरब्बा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने आम अपने पेड़ों से लाया है, तोड़ के इसे अपने बगीचों से। ये देखिए, आम तोड़ते समय आप ध्यान दें, इसका जो दूध निकलता है, रस इसका, वो आपके शरीर पे ना पड़े, नहीं तो स्किन जल जाती है और बहुत सारे घाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप इसके ये जो दूध है आम का, उससे बच के रहें, उसका दूध आपके शरीर पे पड़ने ना पाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्किन जल जाती है। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो उसके लिए हमने ये तीन आम लिया फ्रेंड्स, ये वेट में लगभग 400 ग्राम के आसपास है। उसे हम इस प्रकार से छील लेंगे, आप चाहे तो चाकू की मदद से भी इसे छील सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने सारे आमों को इसी प्रकार से छील लिया है और अब हम इसे काटेंगे। छील के हमने धो के अच्छे से इसे कपड़े से पोंछ के इसे काटेंगे। तो काटेंगे फ्रेंड्स, ये आमों में अब गुठलियाँ आ गई है, तो साइड से हम किनारे से इस प्रकार से काटेंगे, क्योंकि बीच से तो अब ये कटेगा नहीं, तो हम साइड से चारों तरफ से इसके जो गुदा है हम उसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने किनारे से काटा है। तो इसी प्रकार से हमने सारे आमों को काट लिया, कुछ इस प्रकार से लंबे शेपों में। एक आम के हमने लगभग 6 टुकड़े किए हैं और जो गुठलियाँ में बच जाती है उसे हम इसे इस प्रकार से कट करके इसे चटनी उटनी बना लेंगे आप घर में, क्योंकि वो वेस्टेज ना हो। तो इसी प्रकार से हमने सारे गुठलियों को निकाल लिया है। तो अब हम पानी लेंगे फ्रेंड्स और उसे हम उबाल करेंगे। उबालने के बाद हम सारे आम को इस प्रकार से डाल देंगे और आम को हमें लगभग 70 से 80% इसमें पकाना है। बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाएंगे कि इसमें गल जाए, तो 70 से 80% हम इसे चाकू की मदद से इसे बीच बीच में चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, अभी थोड़ी सी कड़ा है, तो अभी हमारा ये आम नहीं पका है, तो थोड़ी देर और हमने छोड़ दिया है। तो अब हम फिर से देखेंगे, ये लगभग फ्रेंड्स 7 से 8 मिनट में तेज फ्लेम पे ये पक जाता है। तो ये हमारा फाइनली पक गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे सारे को। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा कितना बढ़िया ये पका है, 70 से 80% ही हमें इसे पकाना है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस से हम चलेंगे। हम चीनी लेंगे एक कटोरी, तो एक कटोरी से हमने थोड़ी सी कम ही चीनी लिया है। तो ये फ्रेंड्स, ये जो जल गया है, ये बर्तन हमारा काफ़ी हीट हो गया था, पानी देने में लेट हो गया, तो आप थोड़ा ध्यान दें, पानी को साथ में ही डाल दें तुरंत, क्योंकि बर्तन हमारा बहुत ज़्यादा हीट था, इसीलिए थोड़ी सी चीनी जल गई है। तो जितनी हमने पानी दिया है, चीनी लिया है, उतने ही हमने पानी लिया है, और चाशनी को हमें बिल्कुल पतली भी नहीं रखनी है, एक तार से थोड़ी सी कम ही रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें आम को डाल के फिर पकाना है। तो ये देखिए, चाशनी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। उसके बाद हमने आम को डाल के इसे लगभग 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि चाशनी को हम उसी समय ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे एक तार के जैसे, तो पकने में फिर वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से अब चाशनी भी गाढ़ी हो रही है और हमारा ये आम का भी देख रहे हैं कलर भी इसका चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आम हमारा और अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि हमने 70 से 80% ही पहले पकाया था। तो अब हम जो थोड़ी बहुत कच्चापन है इसमें, वो अच्छे से इसमें पक जाएगा। तो इस प्रकार की देखिए, अभी चाशनी कुछ इस प्रकार से है और ये जितना ठंडा होगी तो उतना ये गाढ़ा होगा। तो हमारा ये फाइनली अच्छे से पक गया है, तो आप देख सकते हैं कि चाशनी कितनी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो रही है। तो इसी प्रकार से जितनी देर ये रहेगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ये चाशनी। तो अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे सर्व के लिए। ये जितनी ठंडी होगी और चाशनी गाढ़ी होगी और इसके अंदर भी ये जो आम का मुरब्बा है वो अच्छे से रस भी पी लेगा। तो इसे लगभग 1 से 2 घंटे आप रखने के बाद इसे खाना खाएं। तो ये देखिए, हमने सारे को निकाल लिया प्लेट में। तो इस प्रकार से हमने चाशनी भी ऊपर से डाल दिया है, तो कितनी बढ़िया ये हमारी
आम का मुरब्बा बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो आप भी इस प्रकार की रेसिपी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आम का सीजन है। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये पकी है, तो आप इसका सॉफ्टनेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।